पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव में पोस्टल बैलेट से हुए मतदान को रद्द करने की निर्वाचन आयोग से मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल बैलेट की सूची पहले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए। दिग्विजय ने बीजेपी पर पुलिस प्रशासन के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग पहुंचे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट की सूची उम्मीदवारों को देने के साथ पोस्टल बैलेट रद्द करने की मांग निर्वाचन आयोग से की। दिग्गी ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा बीजेपी पुलिस प्रशासन की मदद से चुनाव जीतने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और दिग्विजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। पोस्टल बैलेट अभी तक जितने डले हैं उन्हें निरस्त किया जाए और पोस्टल बैलेट डालने वालों की सूची सारे कैंडिडेट्स को दी जाना चाहिए। पोस्टल बैलेट के मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग आज बैठक कर रहा है, कोई निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल, और संज्ञान इस बात का भी ले कि शिवराज सिंह चौहान जिन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से प्रभावित करना चाहते हैं उसका भी संज्ञान लें। भैया, रमेश भैया आए, खेत की बखंडी कर दी है, ट्रैक्टर का किराया देना है। तेरी भाभी को बोल दे। भाभी, भाभी वो ये लो भैया, सुनार के यहाँ रख कर दे दो पैसे। ओ भोली भाली, गिरवी रख के नहीं चुकाने हैं, जेब से निकाल कर देने हैं। किसान निधि शिवराज ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, जब जब जरूरत होती है ना तो विश्वास रहता है कि एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। दे रहे हैं, अरे हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। जी जी, ये तो मेरा धंधा है, पर तुम्हारा सोचने के लिए तो सरकार है। वो कैसे? शिवराज सरकार फिर आ गई प्रदेश में। अब जैसे तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ है, वैसे ही शिवराज को मजदूर के जीवन से लेके मरण तक का हर पल का ध्यान है। शिवराज भैया आ गए तो फिर शुरू हो गई संबल। अब वही जाते हैं और जाकर अपना संबल कार्ड ढूंढते हैं कि पिछली सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। अब ही जाते हैं। जी जी, कार्ड संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया, हर गरीब को भरोसा है एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। जो मामा प्रदेश की लाडलियों को जन्म से ही लक्ष्मी बनाता आया हो वो कन्यादान से कैसे पीछे हट सकता है? ये शिवराज की सोच और भाजपा का समर्पण है जिसने 15 साल में लाखों बेटियों का जन्म से विवाह तक साथ निभाया। बस बीच के 15 महीनों में कांग्रेस ने झूठे वादों से हमारी बेटियों के साथ मक्कारी की, 51,000 का वादा किया और फिर पल्ला झाड़ लिया। 15 महीनों में एक भी बेटी को कन्यादान का पैसा नहीं मिला, पर अब मामा की सरकार वापस आ गई है। गरीबों के चेहरे की चमक भी साथ लौट आई है। वो भाजपा ही है जो हर गरीब को राशन और मकान के साथ मान और सम्मान भी देती है, वादा करती है तो वादा निभाती भी है। हमें तो भरोसा है एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। इस साल जहां एक ओर प्रदेश में बम्पर फसल हुई, वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन लग गया, पर फिर भी प्रदेश का किसान संतुष्ट है। और वो केवल इसलिए कि अब शिवराज सरकार है। कोई और सरकार होती तो अब तक खलिहानों में पड़ा गेहूं सड़ गया होता। पर शिवराज मामा ने कहा था एक एक दाना गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार हमारे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है और मेरे खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी आ चुकी है। अरे किशन भैया, कहाँ चल दिए बंठन के? बिटिया का लगन है, बाजार जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जितनी ज्यादा बढ़ती उससे ज्यादा सरकार आगे बढ़ती। हमेशा भरोसा रहता है कि एक शिवराज है
जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।